बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 7 में यूनिट 1 की एक्टिविटी नंबर 3 देखेंगे। एक्टिविटी 3 की ए जो है, इसके अंदर क्या दिया गया है वो देखना है। पहले हम इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। वेयर डू यू हियर द फॉलोइंग सेंटेंसेस, राइट द प्लेस इन द ब्लैंक। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, 1 से लेकर के 9-10 तक। ये आप लोग कहाँ सुनते हो, ये आपको आप जहाँ भी सुनते हो वहाँ उसका वो चीज़ का नाम लिखना है, वो जगह का नाम लिखना है, ठीक है, सामने की खाली जगह। फॉर एग्ज़ाम्पल, डिपॉज़िट योर कैश हियर, आपको कैश यहाँ पर डिपॉज़िट करें। कहाँ पर सुनते हैं ये, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर या बैंक पे? ये हम सुनते हैं बैंक में, ठीक है। दूसरा है, द विजिटर्स आर रिक्वेस्टेड नॉट टू टच द स्टैचू। विजिटर से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो स्टैचू को टच ना करें। ये कहाँ पर सुनते हैं हम भाई, म्यूजियम में, ठीक है। तो जो भी जगह पर आप ये लफ्ज़ सुनते हो उसके सामने उसका लिखना है। नंबर 3 है, टेक द इंजर्ड मैन टू द एक्सरे रूम, जख्मी आदमी को एक्सरे रूम में ले जाए। कहाँ पर सुनते हैं ये, बैंक में सुनते हैं कि हॉस्पिटल में? ये हॉस्पिटल में सुनते हैं। नंबर 4, डॉक्टर सोलंकी प्लीज़ रीच द इमरजेंसी वार्ड, डॉक्टर सोलंकी इमरजेंसी वार्ड में पहुँचिए। ये कहाँ सुनते हैं हम, ये भी जो है हम कहाँ सुनते हैं, हॉस्पिटल में सुनते हैं। वो आप लोग को लिखना रहेगा, ठीक है। ये एक तरीके से आपका होमवर्क भी रहेगा और मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ। उसके बाद नंबर 5 है, नाउ वी इनवाइट मिस्टर भंसल झा टू कम ऑन द स्टेज। ये कहाँ पर सुनते हैं हम, कोई प्रोग्राम वगैरह होता है वहाँ पर हम ये जुमला, ये सेंटेंस सुनते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, मिस्टर पटेल प्लीज़ रीच द टिकट विंडो इमीजिएटली। मिस्टर पटेल, टिकट विंडो पर पहुँचो इमीजिएटली, जल्दी से, ठीक है। तो ये कहाँ पर सुनते हैं हम, ये रेलवे स्टेशन पर सुनते हैं, अक्सर सिनेमा हॉल में भी सुनते हैं, ठीक है। तो दोनों लिख सकते हैं आप। उसके बाद नंबर 7 है, व्यूअर्स आर रिक्वेस्टेड टू स्विच ऑफ देयर सेल फोन। सिनेमा हॉल और इसके अलावा जो है मीटिंग रूम, ठीक है। नंबर 8 है, योर अटेंशन प्लीज़ स्टेज पर। नंबर 9, द हावड़ा एक्सप्रेस विल अराइव ऑन टाइम। हावड़ा एक्सप्रेस ये ट्रेन का नाम है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रेलवे स्टेशन, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से आगे लिखना है, रेलवे स्टेशन, ठीक है। उसके बाद, पैसेंजर आर रिक्वेस्टेड टू गो टू प्लेटफॉर्म नंबर 7 फॉर डॉकर मेला स्पेशल बसेस। ये हम लिख सकते हैं बस स्टैंड। नंबर 11 है, नाउ स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 7 विल परफॉर्म एन इंग्लिश प्ले। ये हम स्कूल में सुनते हैं। नंबर 12, नाउ मिसेस राज लक्ष्मी एंड राज गोपाल विल परफॉर्म भारतनाट्यम। ये भी हम स्कूल में सुनते हैं। फ्लाइट नंबर 363 इज डिलेड बाय एन आवर। तो फ्लाइट नंबर 363 जो वो एक घंटे से लेट है। ये भी हम कहाँ सुनते हैं, एयरपोर्ट पर सुनते हैं। अब उसके बाद दिया गया है बी में, स्टडी द मैप। ये एक मैप है, मैप की स्टडी करिए। यहाँ पर बैंक दी है, यहाँ पुलिस स्टेशन, यहाँ म्यूजियम, ये SG रोड, फिर यह रेलवे स्टेशन, ठीक है। यहाँ एयरपोर्ट, यहाँ होटल, यहाँ कोयल रोड, यहाँ पर गांधी रोड, स्कूल, थिएटर, सुपरमार्केट, बस स्टॉप, ठीक है, लाइब्रेरी, टूरिज़्म, सिनेमा और कैफ़े, ये सब जो है नेहरू रोड, ये सब यहाँ दिया है। और उसी के ऊपर से रीड द सेंटेंस से वेदर आर दे आर ट्रू और फॉल्स। देखते हैं, रीड द सेंटेंस एंड से वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। सेंटेंस को पढ़िए और कहो ये ट्रू और फॉल्स है, कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, सही है या गलत है। द कैफ़े इज़ ऑन द कॉर्नर ऑफ नेहरू रोड एंड गांधी रोड। अब यहाँ हमको मैप की स्टडी करना पड़ेगी। द कैफ़े इज़ द कॉर्नर ऑफ
नेहरू रोड, ये नेहरू रोड है और ये गांधी रोड है और ये कैफ़े है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ये जुमला जो है वो दुरुस्त है, सही है, ठीक है, ये जुमला सही है। उसके बाद द पुलिस स्टेशन इज़ बिटवीन द बैंक एंड द म्यूज़ियम। अब हमें फिर मैप की तरफ जाना है, पुलिस स्टेशन को देखना है। पुलिस स्टेशन कहाँ पर है? पुलिस स्टेशन, ये पुलिस स्टेशन बराबर ये इस तरफ जो है वो बैंक है और इस तरफ म्यूज़ियम है और बीच में जो पुलिस स्टेशन है, तो बीच के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? बिटवीन इस्तेमाल होता है। तो देखते हैं दूसरा सेंटेंस, द पुलिस स्टेशन इज़ बिटवीन द बैंक एंड म्यूज़ियम। तो ये जो सेंटेंस है वो भी सही है, ठीक है, ट्रू है। आगे देखते हैं, द थिएटर इज़ ऑन द कॉर्नर ऑफ एस जी रोड एंड कोयल रोड। फिर हमें मैप देखना पड़ेगा, थिएटर देखो कहाँ पर है, थिएटर ये रहा और ये कोयल रोड है और ये एस जी रोड, एस जी रोड कहाँ पर है, एस जी रोड इस बाजू है। तो ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस जो है वो फॉल्स है, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमको फॉल्स लिखना है। उसके बाद है द लाइब्रेरी इज़ नियर द स्कूल। फिर देखेंगे हम यहाँ जाकर लाइब्रेरी कहाँ पर है, ये लाइब्रेरी और स्कूल, ये बिल्कुल सही जुमला है, राइट सेंटेंस। तो लाइब्रेरी इज़ नियर द स्कूल। उसके बाद नंबर पाँच है, द बस स्टॉप इज़ नियर द रेलवे स्टेशन। बस स्टॉप जो है वो रेलवे स्टेशन के करीब है। फिर हम मैप की तरफ जाएंगे, बस स्टेशन देखेंगे, ये बस स्टॉप। अब रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, यहाँ पर रेलवे, ये रेलवे स्टेशन नहीं, रॉन्ग सेंटेंस। तो ये रॉन्ग सेंटेंस है, बस के बाजू में नहीं है, बस स्टॉप के बाजू में नहीं है। द म्यूज़ियम इज़ अपोजिट द सिनेमा हॉल। म्यूज़ियम तो जो है वो सिनेमा हॉल के अपोजिट है, ये म्यूज़ियम है और ये सिनेमा हॉल, हाँ बिल्कुल राइट, सही सेंटेंस है। आप यहाँ पर इस तरीके से राइट लगा सकते हैं। इसके अलावा अब हम देखेंगे सी, सी में क्या करना है, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है। प्रीपोजिशन किसी भी दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए जो वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जो लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है उसको कंजंक्शन, और किसी वर्ड्स को बामानी मीनिंग बनाने, मीनिंगफुल बनाने के लिए जिस वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है उसको प्रीपोजिशन, जो नाउन से पहले रखा जाता है, ठीक है, तो उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। देखते हैं नंबर एक, द सुपर मार्केट इज़ डैड एज द बस स्टॉप। फिर हमें मैप की तरफ जाना पड़ेगा कि सुपर मार्केट इज़ डैश द बस स्टॉप के उसके नेक्स्ट, उसके कहाँ पर है। अब देखते हैं सुपर मार्केट, ये सुपर मार्केट है और बिल्कुल उसके बाजू में जो है ये सुपर मार्केट है और ये बस स्टॉप है बिल्कुल बाजू में। तो नेक्स्ट टू का इस्तेमाल होगा यहाँ पर। तो देखते हैं नेक्स्ट टू है कि यहाँ पर, हाँ ये रहा नेक्स्ट टू, ये रहा। तो ये एक नंबर पर यूज़ होगा, ये एक नंबर पर यूज़ होगा नेक्स्ट टू, ठीक है। दूसरा है द कार पार्किंग इज़ डैश एज द एयरपोर्ट इन फ्रंट ऑफ, ये दो नंबर पर इस्तेमाल होगा। नंबर तीन, द बैंक इज़ डैश एज द स्कूल। तीसरा है द बैंक इज़ डैश एज द स्कूल, ये आप लोग को करना है। नंबर चौथा, द स्कूल इज़ डैश एज द लाइब्रेरी, स्कूल कहाँ पर है वो आप लोग को करना है। नंबर पाँच, द पोस्ट ऑफिस इज डैश नेहरू रोड एंड गांधी रोड, ठीक है। इसके बाद का जो डी सेक्शन है हम अगले वीडियो में देखेंगे।